तो घी हेलो ऐड एवरीवन, करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, हमने आज बनाने जा रहे हैं, हम देख सकते हैं आप, आज हमारा हल्का स्टी का व्रत है। इसके लिए हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं, ये देखिए। अरबी का पत्ता है जो हमारे गार्डन का ही है, उसको हमने ले लिया है क्योंकि, और ये नींबू और मिर्चा, ये भी हमको मिल गया था कहीं से। कहते हैं कि जहाँ पे हल चला रहता है उस खेत का कुछ भी नहीं खाना रहता है, इसलिए हमने इस चीज़ों का बहुत ध्यान दिया है। अब इसमें हम मिर्चा डाल देते हैं कुकर में, और नमक, सेंधा नमक खाया जाता है, सेंधा नमक डाल देते हैं। सेंधा नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें चावल से खाना है इस चीज़ को। अब इसमें हम अरवी का पत्ता डाल देते हैं। आप अरवी का चाहें तो पत्ता हम अरवी का ऐसे ही पत्ता डाल काट के सकते हैं, भी नहीं तो ऐड कर काटना सकते चाहिए हैं, तो नहीं तो काट आप लिए बिना आप काटे इसे, ही इसे डाल क्योंकि सकते हमें हैं। इसमें इसको पीसना और है, इससे हम मिक्सी सीटी में लगा लेंगे, ग्राइंड करना कम से है। कम 3-4 सीटी लग जाए तब तक हमें इसे पकाना है। नमक आप थोड़ा चाहें तो ज़्यादा इसे ही कट कर डालेंगे, सकते हैं, और इससे क्या होता है कि ये मुलायम हो जाता है सा। अगर आप क्योंकि भैंस हमें का चावल घी से खाते खाना हो, है। तिन्नी का चावल जिसे हम लोग बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये हमें नहीं पता है। कुकर को हमने बंद कर दिया है, अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। आप चाहें तो इसमें भैंस के घी का भी यूज कर सकते हैं, बट हम घी खाते नहीं हैं तो हमने घी नहीं डाला है इसमें। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम 3-4 सीटी लगने देंगे। सीटी लगने के बाद, तब तक ये तिन्नी का चावल है, इसको हमने साफ करके रख लिया है, अब इसे हम अब धो लेंगे। इस व्रत का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, ये तिन्नी का चावल और साग आपके यहाँ भी ज़रूर बनता होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। साग हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। आप साग की तरह ना बना के आप इस तरह बनाइए तो बहुत अच्छा। ये नींबू, हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे। इसमें आप नींबू का रस निचोड़ दें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। एक बार ज़रूर ऐसे ही बना के खाइए, और या आपके यहाँ खाया जाता होगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये चीज़। अब हम चावल इसी कुकर में डाल देंगे। चावल को हमने 10-15 मिनट भिगो के रख लिया था, तिन्नी का चावल। अब इसमें हम नमक, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि हमें और कुछ नहीं डालना होता है, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब कुकर को हम बंद कर देते हैं। 2 सीटी आने तक इसे भी हम पका लेंगे, उसके बाद हम बंद। इधर ये दही है, भैंस के, शुद्ध भैंस के, गाय की दूध की दही है, इसको हमने जमाया है। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। दही के साथ तो चावल साग का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। 2 कटोरी में हम हैं और हमारी सासू माँ हैं, 2 लोग व्रत हैं तो दोनों लोग के लिए हम निकाल लेते हैं। और ये प्रसाद है जो हमने पूजा किया था, इसमें और भी पत्ते थे लेकिन अगल बगल में भी दे दिया गया, हम लोग दे दिए इसको। अब हम अपना थाली लगा लेते हैं। साग, चावल, दही, नींबू और मिर्चा, और सब जो है हम लोग बहुत परहेज से इसको खाते हैं। कोई भी मतलब हल चले हुए खेत का नहीं, आप देख सकते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।